हम जब भी यहाँ पर आते हैं रेड एफ एम में बहुत मस्ती होती है, बहुत धमाल होता है और इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, एवरी टाइम यू कम देयर इज अ न्यू एनर्जी. सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम अपनी फिल्म बैंगिस्तान को यहाँ पर प्रमोट करने आए हैं और इस फिल्म के बारे में बात करने आए हैं. जो मेरा किरदार है बैंगिस्तान में, उसका नाम है प्रवीण चतुर्वेदी, साउथ बैंगिस्तान से है, हिंदू है और उसको एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है उसका क्या नाम है उनका, माँ का दल, जो उनका ग्रुप का नाम है माँ का दल, वो उसके जो लीडर हैं वो इसको ब्रेन वॉश कर देते हैं और कन्विंस कर देते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाएं, क्योंकि पोलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे सारे रिलीजियस लीडर्स साथ में आ रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, तो शांति और अमन नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. और ये मान जाता है, फिर ये मिशन पे निकल जाता है बाहर एंड वहाँ पे अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट करता है, डिस्गाइज करता है कि कोई इसे पहचान नहीं पाए और मैं ऐसे बॉम्ब फोड़ूंगा. पर उसी जर्नी में समझ में आता है कि बेसिकली हर जो रिलीजन है वो एक ही बात कहता है, वो है शांति. इनके बिल्कुल विपरीत, मैं नॉर्थ बैंगिस्तान से आता हूँ, पहाड़ी इलाका है, मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और एक संगठन है अलकाम तमाम, और ये इसको ब्रेन वॉश करती है सिमिलरली कि आप जाकर एक पीस मिशन को, हमें नहीं पता होता कि हम दोनों उसी मिशन के लिए जा रहे हैं और सुसाइड बॉम्बर बनने की तैयारी होती है. फिर एक ऐसा प्रयास होता है कि क्यों ना हम दूसरे धर्म का धारण करके आगे बढ़ जाएं, और उस वजह से वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट अदर रिलीजन जो हमें जानकारी नहीं होती, और वो पढ़ने के बाद फिर एक दूसरे से मिलने के बाद वो प्रोसेस में ये और महसूस होता है कि यू नो इवेंचुअली कोई भी धर्म मज़हब हो, बात तो एक ही होती है, प्यार भाईचारा, उसकी बुनियाद वही होती है. तो आई थिंक इट्स अ हिलेरियस जर्नी वहाँ तक पहुँचने के बाद एंड इवेंचुअली व्हाट द मैसेजेस कि क्या ये बॉम्ब करते हैं क्या नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. अब आई थिंक इट्स, मुझे यही कहना है कि एक अनोखी कहानी है दो लोगों की जो सुसाइड बॉम्बर्स बनना चाहते हैं और एक मिशन पे निकलते हैं कि एक जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसे ब्लास्ट करना है, और किस तरह ये बैंगिस्तान के दो लोग हैं वो इकट्ठा आते हैं, पोलैंड में मिलते हैं एंड इज़ देयर जर्नी टुगेदर ऑफ रियलाइजिंग ईच अदर एंड द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, और कि हर धर्म हर मज़हब क्या बात करता है, सच्चाई क्या है उसके पीछे, कोर वैल्यूज़ क्या है, एंड इवेंचुअली क्योंकि यू नो रिलीजन प्राइमरी टॉक्स अबाउट पीस लव एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी, हमें जुदा करना एकदम मुश्किल है. बिल्कुल, ये H2 थे, मैं SO4 था. बिल्कुल, मैं लेके जा रहा हूँ उनको. और क्या है कि मुंबई है, मोहम्मद अली रोड है, द ग्रेट फेस्टिविटी, और ईद भी, आई मीन रमज़ान चल रहा है, इफ्तारी होगी, और एक खासियत है मोहम्मद अली रोड की और जिस तरह, बट थैंकफुली जो पुलकित है इन्हें ये, मैंने राजू गाइड बुलाता हूँ, जिस शहर में जाते हैं वहाँ का जो खाना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कहाँ शॉपिंग करें, सब इन्हें पता है. पोलैंड में यही हमारे राजू गाइड थे, मुंबई में भी मुझे लगता है कि मोहम्मद अली रोड के बारे में मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, हालांकि मैं उनको वहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन अपना इन्होंने रिसर्च कर लिया है, मुझे रास्ता नहीं पता, और इन्होंने रिसर्च कर लिया कि वहाँ पर क्या क्या खाना है, तो वी आर ऑल सेट. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.